तो पॉलिटी एन गवर्नेंस के अंदर जी एस पेपर टू में ये कवर होगा एंड आज की क्योंकि क्यों ये वीडियो एडिटोरियल एनालिसिस के ऊपर है तो थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है सो तो आप एंड तक बने रहिए जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स जम्प एंटर द वीडियो स्टूडेंट्स ये जो एडिटोरियल है ये बेसिकली है क्या कि देखो अभी हम सबको पता है कि हमारा मानसून सेशन हुआ है जुलाई एंड अगस्त में और उसमें देखा गया कि जो दो बिल थे एक कॉम्पिटिशन से रिलेटेड था एंड एक और बिल था वो बिल जो है वो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के पास सेंड करे जा रहे थे बट उससे पहले क्या हो गया कि एडजमेंट साइंड आई हो गया मीन्स वो जो, जो सेशन है वो एंड हो गया और अब बेसिकली यहाँ पे दिक्कत क्या आई कि जब वो कमिटीज़ के पास सेंड नहीं हुआ तो उतना ज़्यादा उस पर डिस्कशन नहीं हो पाया उतना ज़्यादा वो इवेलुएट नहीं हो पाया ओके okay, तो यही प्रॉब्लम आ गई फिर मेजर ड्रॉबैक में कि जब कमिटीज़ के पास अब एक प्रॉपरली डिस्कशन नहीं हो पाता है तो होता क्या है लॉ मेकिंग में लॉ मेकिंग के इम्प्लीमेंटेशन में फिर प्रॉब्लम्स होते को आती ही आती हैं तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेटा है जिसने ये बताया है कि इस बार जो लोकसभा की प्रोडक्टिविटी रही है वो सिर्फ और सिर्फ से फोर्टी सेवन परसेंट रही है और राज्यसभा की तो फोर्टी टू परसेंट ही रही है स्टूडेंट्स व्हाट डज इट मीन्स इट मीन्स कि इतने ज़्यादा सेशन होने के बाद क्योंकि हमारे तीन सेशन होते हैं ना इस बजट सेशन विंटर सेशन एंड मानसून सेशन इतने ज़्यादा सेशन होने के बाद और ट्वेंटी फोर डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ होने के बाद भी अगर किसी एक बिल पे किसी एक ड्राफ्ट पे पर्टिकुलरली अच्छे से डिस्कशन नहीं हो पा रहा है तो फिर देखो एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी तो कॉम्प्रोमाइज़ होगी ही होगी इसलिए इस बार की लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 47 परसेंट आई है और राज्यसभा की तो उससे भी कम है तो यही मेजर फोकस है कि हम कैसे कैसे इस चीज़ की अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करें और जो भी मैटर है जो भी बिल्स हैं वो हम अपने रिलेटेड जो कमिटीज हैं उनको भी ट्रांसफ़र करें जिससे कि उस मैटर पे बे बेटर एफिशिएंसी डेवलप हो और स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि देखो ये जो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं मैं इन्हें डी आर एस सीज बोलूँगी ओके okay, तो ये जो डी आर एस सीज होती हैं ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अलग से मेम्बर्स आते हैं इसमें भी वही लोकसभा और राज्यसभा से मेम्बर्स आते हैं जो स्पीकर और चेयरमैन डिसाइड करते हैं और किस रेशियो में आते हैं टू इस टू वन के रेशियो में आते हैं टोटल थर्टी वन मेंबर्स होते हैं ट्वेंटी वन लोकसभा से आते हैं और टेन राज्यसभा से आते हैं अब बात ये आ रही है कि भाई जब ये मेंबर्स भी लोकसभा राज्यसभा से आ रहे हैं तब भी इतना ज़्यादा प्रेफर क्यों नहीं करते कि सारे जो मैटर्स हैं जो बिल्स हैं ये हमारे स्टैंडिंग कमिटीज़ के पास जाएं वो उस पर अच्छे से डिस्कशन करें इसका विजन देखें फ्यूचर में देखें कि क्या डिस्क्रिपेंसीज हो सकती हैं तब भी क्यों नहीं करते हैं तो स्टूडेंट्स अल्टीमेटली इन सब चीज़ों के ऊपर ये आर्टिकल है एंड अब हमें जो हमारी डी आर हैं इनको मैंडेट कर देना चाहिए कि जितने भी लेजिस्लेश जो भी पॉलिसीज़ बनाएंगे जो भी स्कीम्स हैं या कुछ भी बिल्स हैं वो सारे के सारे वो डी को भेजेंगे जिससे कि वो एग्जामिन कर पाए क्यों क्योंकि इन कमिटीज़ का काम ही यही होता है कि ये फ्यूचर डायरेक्शन देखें जो भी पॉलिसीज़ है जो भी बिल उन्होंने भेजा है उसका विजन देखिए किस लिए बनाया गया है लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट करें और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करें जिस चीज़ के लिए वो बिल या जो भी पॉलिसी बनाई जा रही है उन कंज्यूमर या स्टेक होल्डर्स के वो क्या बेनिफिट करेगी क्या इसके ड्रॉबैक्स होंगे इन सब चीज़ों को देखने के लिए ही तो जो बिल्स हैं वो डी को रेफर करे जाते हैं बट स्टूडेंट्स क्या आपको ये बात पता है कि अगर हम लास्ट तीन सेशंस में देखें जो हुए हैं तो 14 लोकसभा 15 और 16 लोकसभा के अगर हम सेशंस देखें तो सिर्फ और सिर्फ इस साल का जो सेशन हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्वेंटी परसेंट ही जो बिल्स हैं वो डी को रेफर करे गए हैं एग्जामिनेशन के लिए अब आप बताइए कि जब उनका एग्जामिनेशन ही नहीं होगा इवैल्यूएशन ही नहीं होगा तो फिर उस बिल की इम्पोर्टेंसी क्या रह जाएगी और वो अपने लॉ मेकिंग को अपनी गवर्नेंस को फिर जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग कैसे करेगी येस आई एग्री कि जो सारे बिल्स होते हैं वो डी आर को रेफ़र करना ज़रूरी नहीं है बट अगर हम नेशनली और हम इंटरनेशनली देखें तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो बिल्स या जो स्कीम्स जो पॉलिसीज़ डी में वैल्यूशन के लिए नहीं जाती हैं वो ज़्यादातर वो क्या हो जाती है वो वर्स्ट हो जाती है और उन्हें उन्हें फिर वापस लेना पड़ता है और फिर उस पॉलिसी उस बिल के अंदर इतनी ज़्यादा फंडिंग हो जाती है क्योंकि जब सेशंस होंगे तो वहाँ पे लोग आके बैठेंगे सब कुछ सारी कॉस्ट आएगी ना इसलिए फिर वो इतना ज़्यादा कॉस्ट भी चली जाती है और अगर आपने डी को रेफर नहीं किया है तो वो लास्ट में आपको जो बिल है वो विदड्रॉ करना ही पड़ जाएगा अब अभी जो थ्री फार्म बिल्स आया था उसी को देख लीजिए उसमें कितनी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी क्यों, क्योंकि वो डी इसमें बिल नहीं गया था एग्जामिनेशन के लिए लास्ट में उसे विड्रॉल करना ही पड़ा एंड यहाँ पे हमें एक बात से समझ नहीं आती है कि जो गवर्नमेंट है वो डी आर एस सीज को रेफ़र करने में क्यों कतराती है क्यों क्योंकि देखो भले ही वहाँ पे बस डिस्कशन होना है अगर वो कुछ आपको रिकमेंडेशन दे भी रहे हैं तो दिक्कत क्या है आप देखिए वो रिकमेंडेशन क्या सही हैं सही आता है तो आप उन्हें इम्प्लीमेंट कर दीजिए और अगर नहीं भी सही हैं तो जो फाइनल डिसीजन होगा वो तो मेजॉरिटी वोटिंग का होता है ना और जो हमारी गवर्नमेंट है वो तो हमेशा मेजॉरिटी में ही है तो फिर वो क्यों बिल्स को डी में नहीं भेज रही है उनके एवेल्युशन के लिए तो इसका एक वे फॉरवर्ड यही हो सकता है जो मुझे लगता है कि एंड एक्चुअली ये मुझे वे फॉरवर्ड नहीं लगता है जो भी मैं आपको मैंने आपको ये कंटेंट दिया हुआ ये सब कुछ एडिटोरियल में था एज इट इज़ मैंने बस आपको उसमें इजी लैंग्वेज करके लिखा है जिससे कि आप उसे डिफ्रेंशिएट कर पाए अदरवाइज एक टू जी जो भी डेटा दे है वो मैंने एडिटोरियल का ही यहाँ पर लिया हुआ है तो वहाँ पे बताया गया है कि इसका भी फॉरवर्ड यह हो सकता है कि आप देखिए जो मैटर है जो भी बिल्ज हैं उन्हें आप डी आर एस सीज़ को रेफ़र करिए ही करिए और अगर जो गवर्नमेंट है वो नहीं कर रही है रूलिंग पार्टी ऐसा नहीं करने दे रही है तो जो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं और लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनके पास ये पावर मिल जानी चाहिए कि वो हर बिल को हर चीज़ को डी आर एस सीज को रेफ़र करेंगे ही करेंगे और उन्हें बेसिकली ऑटोमेटिक बना देना चाहिए और इसके साथ ही साथ एक ये भी चीज़ होनी चाहिए कि डी में जो भी डिस्कशन हो रहा है जो भी डिबेट हो रही है वो फ्रैंक और फ्री होना चाहिए वहाँ पे जो लोग हैं लोग हैं जो भी वहाँ पे अपॉइंट करके गए हैं उनके पास पूरी लिबोरिटी होनी चाहिए उन्हें जैसा लगता है वो वैसा वहाँ पर बोले और कोई वेब का कंसेप्ट तो यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए क्यों क्योंकि जब विप का कंसेप्ट आ जाता है तो फिर जो भी सारे पार्टी मेंबर्स होते हैं उन्हें उसी चीज़ के बारे में वोट देना पड़ता है उन्हें उसी चीज़ के बारे में बोलना पड़ता है वो अपने खुद के व्यूज़ तो फिर बता ही नहीं पाते हैं तो इसीलिए ये, ये चीज़ें हैं जो वहाँ पर होनी चाहिए हाँ इसके साथ एक ये भी करना चाहिए कि उनको एक फिक्स्ड टाइमलाइन दे देना चाहिए डी को कि इतने टाइम के अंदर अंदर आप उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे अपनी रिकमेंडेशन देंगे अगर आपको देनी है तो अदरवाइज़ फिर वो जो बिल है वो डायरेक्टली लोकसभा के सामने प्रेजेंट हो जाएगा क्योंकि क्योंकि फिर उस पर लोकसभा को भी तो डिस्कशन करना है और वो बिल भी तो पास करवाना है और इतना टाइम तो है नहीं तो इसीलिए एक बेसिकली टाइमलाइन उन्हें दे देनी चाहिए एंड एक लास्ट स्टेप उस एडिटोरियल में ये भी बताया गया था जो कंसर्निंग पॉइंट्स हैं वो ये भी होना चाहिए कि जो एक्सपर्ट्स हैं आप उन्हें रोप इन करें मीन्स आप उनको भी लेकर आएं जो यंग रिसर्चर्स हैं उनको लेकर आएं जिससे कि वो उस फील्ड में क्योंकि देखो उस फील्ड में स्पेशलिस्ट है तो उस फील्ड में एक अलग नॉलेज दें एक अलग डोमेन के बारे में बताएं कि ऐसे भी इस फील्ड में डेवलपमेंट हो सकती है और इससे क्या होगा कि देखो डिस्कशन जब ज़्यादा होगा लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट वाले लोग बढ़ेंगे और वो भी नॉर्मल पीपल नहीं है वो भी एक्सपर्टीज़ है उस फील्ड में ओके तो वो उस फील्ड के बारे में आप लोगों से बेहतर ही जानते होंगे जो लोकसभा के अंदर मेंबर्स भेजे गए हैं स्पीकर और चेयरमैन के द्वारा तो उन्हें भी उन एक्सपर्टीज को भी इंक्लूड करना चाहिए एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आपको पूरी पूरी लाइन्स पूरे पूरे ये जो मैंने स्लाइड दिए है ये नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है जो भी आपको इसमें से इम्पोर्टेंट लग रहा है हालांकि ये सब इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि एडिटोरियल में आया है बट इसमें से भी जो डेटा उन्होंने गिवन है ना उस डेटा को आप अपनी नोटबुक में नोट करिए और बेस्ट चीज़ आप नॉर्मली याद रखिए इसे आप

कमेटी का सेशन रखवा सकते हैं उस बिल के एवेलुएशन पे उसके एग्जामिनेशन पे एंड जनरली ये देखा गया कि जो गवर्नमेंट है जो रूलिंग पार्टी है वो ऐसा करती नहीं है वो बहुत कम ही बिल्स को रेफर करती है या फिर वो क्या करती है कि जब रेफर करने का टाइम आता है तो सेशन को एड कर देती है जॉइनमेंट साइन डाई कर देती है तो भी वो रेफर नहीं हो पाता इसीलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है उसको इस चीज पर ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि जो भी लॉ मेकिंग की इम्प्लीमेंटेशन है और जो भी उस रूलिंग पार्टी के गवर्नेंस है वो टिल द लास्ट माइल डिलीवरी हो सके क्यों क्योंकि जब तक इवेल्यूएशन नहीं होगा जब तक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होगा तो अल्टीमेटली आपको उस बिल को विड्रॉ करना ही पड़ेगा तो इसलिए हम पहले से ही स्टेप्स लेकर चले ना हम बाद में क्यों ये सारी चीज़ों के लिए छोड़ें हम पहले से ही सिंपल सा ही तो स्टेप करना है पहले से ही जो भी बिल है उसको कमिटीज़ uh, को रेफर करना है वो अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी रिकमेंडेशंस देगी बस सॉर्टेड ओके okay? तो इसी के ऊपर आज का हमारा पूरा सेशन था आई होप र देयर टिल एन एंड स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि अब से हर सैटरडे टू सैटरडे इन वीकेंड पे हमारा एडिटोरियल डिस्कशन का जो लेक्चर है वो रहेगा और आज भी मैं आपको दो एडिटोरियल डिस्कस करवाने वाली थी बट ऑलरेडी लेक्चर इतना लंबा हो गया है तो मैंने सोचा कि अब एक ही एडिटोरियल कराते हैं क्योंकि अगर और ज़्यादा मैं सेशन को एक्सटेंड करती तो जो स्टूडेंट्स हैं ना वो उतना ज़्यादा उसे ग्रास्प नहीं कर पाते जब चीज़ें ज़्यादा लंबी हो जाती हैं तो उतना ज़्यादा रिकॉल नहीं कर पाते वो उतना ज़्यादा याद नहीं कर पाते ग्राफ्स नहीं कर पाते इसलिए मैंने अपने सेशन को यहीं तक रखा है और अब आगे भी ऐसे ही जो एडिटोरियल सेशनस हैं वो आते रहेंगे हर सैटरडे टू सैटरडे तो आएगा ही मैं वेंसडे भी लेकर आऊँगी जिससे कि जो भी आपके एडिटोरियल एनालिसिस हैं वो भी मैं आपको अपने साथ साथ कवर करवा सकूँ ओके okay, तो हम अपना सेशन यहीं तक रखते हैं थैंक यू सो मच डू योर बेस्ट स्टडी एंड डू शेयर लाइक सब्सक्राइब आ वीडियो